डिप्रेशन जो है एक वेरी कॉमन साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 1 in 6 persons जो है वो लाइफ में कैन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन. तो डिप्रेशन जो है जो एक यानी फीलिंग होती है सैडनेस की, जहाँ पेशेंट जो है और या पर्सन जो है वो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फील सैड मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मोस्ट ऑफ़ द डे, एवरी डे. उसमें काम करने में दिल नहीं लगता, काम नहीं करना चाहता, एनर्जी नहीं है और बड़ा पेसिमिस्टिक या होपलेस फील करता है. उसमें कहता है कि जी मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो नेगेटिव फीलिंग आती है उसमें. और कई दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलता है अगर किसी कोई नुकसान हो गया या कुछ हो गया या किसी अपने रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेम करता है. हालांकि उसका चाहे उसमें कोई ब्लेम ना भी हो, तो वो अपने आप को कहता है कि मेरी वजह से हुआ है, कि मेरी वाइफ जो है मर गई है या उसको बीमारी आई है या जो भी हुआ है. तो गिल्ट की फीलें हो सकती हैं, स्लीप का प्रॉब्लम भी हो सकता है, खाने पीने का प्रॉब्लम, भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है समटाइम डिप्रेशन में. तो कॉमनली यूजली जो मरीज़ आता है वो कंप्लेन करता है कि मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, मेरे में काम करने की इतनी एनर्जी नहीं है. तो ये डिप्रेशन, अगर ये सिम्टम जो हैं 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा आ रही हैं ऑलमोस्ट एवरी डे और मोस्ट ऑफ द डे, तो उसमें हम कहेंगे कि पेशेंट जो है क्लिनिकल डिप्रेशन से में मुबतला है. तो उसके लिए उसको जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए या अपने फैमिली डॉक्टर से बात करनी चाहिए. तो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है, अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, तो उस हिसाब से जो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो काम आपका फैमिली डॉक्टर है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, वो आपको तजवीज़ करेगा कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जाए.